Hello students, so today we are going to start with our MCQ session of professional ethics and human values part 3. ठीक है, अब आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास आ गई है जैसे आप सब जानते हैं. तो मैंने आपको बोली थी कि मैं आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ के जितने हो सके उतने एमसीक्यू सेशंस लेके आऊँगी. तो अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस दिस इज़ माय थर्ड एमसीक्यू सेशन ऑन प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब प्रॉपर पढ़ाई में लगे होंगे और प्रॉपरली अपना सब पढ़ाई करते होंगे. स्टूडेंट्स, एक चीज़ मुझे आपको बताना है कि कुछ चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम पेपर पैटर्न में. पेपर पैटर्न इन द सेंस वो तो एम सी क्यू सेशन ही आने वाला है आपको, लेकिन मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस करने होंगे. बट नाउ दिस थिंग इज चेंज एंड अब आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं. ठीक है, और देयर आर नो ऑप्शंस. टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे और आपको टोटल 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, और हर एक ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. ये भी ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो कैरी करेगा 2 मार्क्स. तो अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, वो चीज़ ध्यान रखना. नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं है और ऑप्शंस नहीं है, वो ध्यान रखिएगा. टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि आपका पेपर जैसे आप जानते हो 80 मार्क्स का पेपर रहेगा टोटल. तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, पूरे 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. देयर आर नो ऑप्शंस एट ऑल. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी है. एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में जब एमसीक्यू पेपर हुआ था तब वो टाइम पे 50 क्वेश्चंस दिए थे और 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने बोले थे, लेकिन अभी रिसेंट जो डायरेक्शंस आए हैं उस डायरेक्शंस में ऐसा क्लियरली मेंशन है कि टोटल 40 क्वेश्चंस ही आएंगे और 40 क्वेश्चंस से आपको पूरे 40 क्वेश्चंस ऑप्ट करने हैं. आपको किसी प्रकार का कोई ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा. ठीक है, चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को बताना था. तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई है. अब हम हमारा सेशन शुरू करते हैं. बाकी जो एमसीक्यू है जो मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताई थी उसी तरह से आएंगे. एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन के सामने टिक मार्क करना होगा. ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद. एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन किस चीज़ से एसोसिएटेड है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ जो हम चीज़ सीखते हैं उससे. लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हुए जो हम चीज़ें सीखते हैं उससे. लर्निंग थ्रू एम्पेरिकल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच के थ्रू जो हम सीखते हैं उससे. या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सारे ऑप्शंस आपको सही लगते हैं. क्या लगता है? 2 सेकेंड का टाइम लीजिए अपना आंसर सोचने के लिए और अपना करेक्ट आंसर बताइए. क्या लगता है एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन जो होता है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है? एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, लर्निंग थ्रू एम्पिरिकल अप्रोच, ऑल एंड ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस. एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ठीक है, ध्यान रखिए, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के क्या अलग अलग सोर्सेज हैं? फर्स्ट, फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, या ऑल ऑफ द अबव. क्या लगता है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एजुकेशन? ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे हमारे सिलेबस के. तो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन को ही हम एजुकेशन कहेंगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन को एजुकेशन कहेंगे, इनफॉर्मल को, या ये सभी, ये तीनों की तीनों जो फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन है, दे आर कम अंडर द सोर्सेज ऑफ एजुकेशन? क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सारे के सारे जो सोर्सेज है दैट आर द सोर्सेज ऑफ एजुकेशन. यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज all of the above. Formal source of education is also a source of education. Experimental
वे से अगर आप कुछ सीखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो एन एजुकेशन. एंड इनफॉर्मल वे से, जैसे आप देखते हो कि घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हमको कोई चीज़ का इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई चीज़ समझाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एजुकेशन ओनली. तो वहाँ से मिलने वाला, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ स्कूल में जाके आप फॉर्मली जब कोई चीज़ सीखते हो तो वही एजुकेशन कहलाएगा. एजुकेशन मतलब कहीं से भी कोई भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, कहीं से कुछ भी चीज़ आप नया सीख रहे हो, दैट विल ऑल कम अंडर अ सोर्स ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज, इंडिया में राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या इसमें से कुछ भी नहीं? क्या लगता है आपको? राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, या नन ऑफ द अबव? तो चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर. राइट टू एजुकेशन जो है वो है फंडामेंटल राइट. ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग, आप लोगों ने शायद स्कूल में भी पढ़े होंगे अपने, कि राइट टू एजुकेशन जो है दैट विल कम अंडर द फंडामेंटल राइट इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? एजुकेशनल प्रोसेस के कौन से तीन कंपोनेंट्स है? एजुकेशन, टीचर, बुक्स. टीचर, स्टूडेंट, एजुकेशन. टीचिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस. डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल. क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? एजुकेशन, टीचर एंड बुक्स. टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन. लर्निंग, सॉरी, टीचिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस. डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन. टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. बट ऑब्वियस है स्टूडेंट्स की टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, और साथ में उनके बीच में एक एजुकेशन, मतलब टीचर ने स्टूडेंट को एजुकेट करना चाहिए और स्टूडेंट ने टीचर से अपना नॉलेज गेन करना चाहिए. दैट इज व्हाट द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैल्यू एजुकेशन टेक्स प्लेस ओनली एट. क्या लगता है, वैल्यू एजुकेशन सिर्फ हम स्कूल में सीखते हैं, वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में सीखते हैं, ऑफेंडर इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं, या इनमें से सभी जगह हम वैल्यू एजुकेशन देख सकते हैं? क्या लगता है आपको, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये भी स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को क्लास में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की थी, इसमें से हर एक पॉइंट हम लोग ने क्लास पे डिटेल में पढ़े थे. आई होप आप लोगों ने अगर याद रखे होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. वैल्यू एजुकेशन टेक्स प्लेस ओनली एट स्कूल, वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफेंडर इंस्टीट्यूशंस, या ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इन सभी जगह में वैल्यू एजुकेशन हो किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर ओन और एडप्टेड चिल्ड्रन लिविंग एट होम? इसमें से किस टाइप की फैमिली को हम लोग ऐसा कहेंगे कि जहाँ पे मैरिड कपल होते हैं, उनके बच्चे या उनके एडप्टेड बच्चे जो होते हैं वो सब एक ही घर पे रहते हैं? नॉन ट्रेडिशनल फैमिली, ऐसी फैमिली को क्या हम नॉन ट्रेडिशनल फैमिली कहेंगे, ब्लेंडेड फैमिली कहेंगे, ट्रेडिशनल फैमिली कहेंगे, या स्टेप फैमिली कहेंगे? क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑप्शन. मुझे ऐसा लगता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रेडिशनल फैमिली. यस, द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिशनल फैमिली. ट्रेडिशनल फैमिली में आप देखते हो कि जहाँ हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, एक साथ रहते हैं एक ही घर पे, उसे हम कहते हैं जनरली ट्रेडिशनल फैमिलीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी, ग्रुप, इंडिविजुअल, नेचर और सोसाइटी. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी? क्या लगता है, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? कोई भी एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है स्टूडेंट्स, तो क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल जो है वो एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी ह्यूमन सोसाइटी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड डैश आर द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ नोइंग. नेचुरल एक्सेप्टेंस और डैश, अब ये डैश में क्या हो सकता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ कंट्रोल आर द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ नोइंग. नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड
What is the second option? Self actualization, self exploration, self evaluation और self control. इस ये कौन से दो प्रोसेस है जो कि आपको मेन कंटेंट है प्रोसेस ऑफ नोइंग के. यस द करेक्ट ऑप्शन इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन. नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन आर द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ नोइंग. स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करिए. देखिए अभी आप इसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं और भी ऐसे सेशंस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए ताकि और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके. ठीक है, आई होप अब तक तो ये थर्ड सेशन है तो आपका काफ़ी कुछ तो प्रैक्टिस हो गया होगा. नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन needed to make a happy is dash. खुश रहने के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा important condition क्या होनी चाहिए? Right understanding, right utilization, right guidance और right direction. क्या लगता है? What is the most important condition? सही direction से हम खुश रह सकते हैं, सही गाइडेंस से हम खुश रहते हैं रह सकते हैं, सही यूटिलाइजेशन से हम खुश रह सकते हैं या सही अंडरस्टैंडिंग से खुश रह सकते हैं. तो मुझे लगता है इसका सही ऑप्शन होना चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो नो डाउट हम लोग खुश रहेंगे. तो चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर. यस द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग. तो खुश रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग. Now look at our next question, that is सुख and dash both are needed and can't replace each other. ठीक है, सुख और दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि दोनों हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और दोनों भी चीज़ एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती है. क्या लगता है what will be the correct option? सुख एंड सुविधा, सुख एंड हैप्पीनेस, सुख एंड prosperity या सुख एंड दुख. ठीक है, ऐसी कौन सी दो चीज़ें सुख के साथ दूसरी कौन सी चीज़ है जो कि हम दोनों भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और दोनों को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते. हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास सेकंड चीज़ है तो फर्स्ट नहीं रही तो भी चल सकता है या फर्स्ट नहीं रहा सेकंड रहा तो भी चल सकता है. ऐसे इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? यस स्टूडेंट देखो, सुख एंड सुविधा अगर आप बोलोगे तो सुविधा आप सब जानते हो सुविधा का मतलब क्या होता है. तो सुविधा कंफर्ट, ठीक है. तो अगर आप बोलेंगे सुविधा और सुख आप इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, हैप्पीनेस के साथ सुख ये वन एंड द सेम थिंग ही हो गया. सुखी रहना, खुश रहना और हैप्पीनेस इज वन एंड द सेम थिंग. तो बचा क्या? बचा इज दुख. यानी दुख, सुख एंड दुख, ये जो दोनों चीज़ें ये आपने बहुत बार सुने होंगे घर में भी अपने बड़ों से कि ये चीज़ तो हमारे जीवन में लगी रहती है. कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम सैड होते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़, क्योंकि अगर आप दुख देखोगे तभी आपको सुख का इम्पोर्टेंस मिलेगा. और अगर आप हमेशा सब कुछ आपको हमेशा अच्छा अच्छा मिलेगा तो आपको उस अच्छे की वैल्यू नहीं रहेगी. तो वो अच्छे की वैल्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ बुरा, अगर आप दुखी हो दुख के बाद अगर आपके पास सुख आता है तो यू विल बी मोर हैप्पी विद दैट. ठीक है, तो दैट इज वॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज. सॉरी यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, बी दैट डी दैट इज दुख. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइफ कंट्रोल्ड और लिव्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड. एक जो लाइफ होता है जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कंट्रोल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र प्रजातंत्र परतंत्र या षड्यंत्र. क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? अ लाइफ कंट्रोल्ड और लिव्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के साथ जो लाइफ हम जीते हैं, यानी बाहर से कुछ चीज़ें देख के हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उससे हम लोग अगर कोई चीज़ जी रहे हैं अपनी लाइफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन इज परतंत्र, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू एजुकेशन अनेबल अस. किस चीज़ के लिए अनेबल करता है वैल्यू एजुकेशन? टू अंडरस्टैंड अवर नीड्स विजुअलाइज अवर गोल्स करेक्टली, इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव. वैल्यू एजुकेशन अनेबल अस टू अंडरस्टैंड अवर नीड्स. क्या चीज़ में हेल्प करता है हमको हमारी नीड्स समझने के लिए, हमारे गोल्स को प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए,
और इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट, या ये सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन इंडिकेट करता है, या इनमें से सारी चीज़ें सही है। तो यस द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन हमको टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स, हमारी नीड्स को समझने के लिए भी हेल्पफुल होता है, हमारे गोल्स को करेक्टली विजुअलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ इट ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट, किस तरह से हम हमारे गोल्स को फुलफिल कर सके उसके लिए हमको डायरेक्ट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलीफ इज, बिलीफ जो होता है वो सबके लिए सेम होता है, क्या लगता है आपको? इट इज इट सेम फॉर एवरीबडी, नॉट सेम फॉर एवरीबडी, ऑल बिलीफ्स आर यूनिवर्सल, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्या लगता है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है या सारे के सारे ऑप्शंस गलत है? बिलीफ क्या लगता है, क्या सबके लिए सेम होता है, क्या हम सब एक ही चीज़ में बिलीफ करते हैं? नॉट सेम फॉर एवरीबडी, नहीं, सबके लिए बिलीफ अलग अलग होता है, या हम बोलेंगे यूनिवर्सली बिलीफ एक ही होता है, यानी जो अगर मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के बोल रही हूँ कोई चीज़ के ऊपर मैं मान अपना मेरा बिलीफ है, तो सेम वही चीज़ यहाँ से US में कोई बैठा होगा, अफ्रीका में कोई बैठा होगा, वहाँ पे भी लोग बैठ के वो चीज़ को वैसा ही बिलीफ सोचेंगे, ऐसा ज़रूरी है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा ज़रूरी होगा, क्योंकि सबके बिलीफ पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, डिफर करते हैं। यस द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी, बिलीफ जो होता है वो सबके लिए सेम नहीं होता है। नेक्स्ट इज फीलिंग्स ऑफ वन सेल्फ आई विद द अदर आई आर, ठीक है, एक आई की दूसरे आई के साथ फीलिंग्स जो होती है वो कैसी होती है? डेफिनेट होती है, कैन बी आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड, कैन बी फुलफिल्ड और ऑल, क्या लगता है? डेफिनेट होती है, वो इजीली आइडेंटिफाइड हो सकती है और समझी जा सकती है, वो इजीली फुलफिल हो सकती है, या इनमें से सब कुछ? तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल, फीलिंग ऑफ वन सेल्फ आई विद द अदर आई आर डेफिनेट, कैन बी आइडेंटिफाइड अंडरस्टूड एंड कैन ऑल्सो बी फुलफिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू ऑल, टू एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस, द एंटायर एग्जिस्टेंस इज द फीलिंग ऑफ, ऐसी फीलिंग को क्या कहते हैं? ग्रैटिट्यूड, ग्लोरी, रेवरेंस एंड लव। जब हमको ये फील होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड, जब हम सबसे रिलेटेड फील करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हर एक यूनिट जो एग्जिस्टेंस में है उनके सबके साथ अगर आपकी फीलिंग अटैच है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्यार, दैट इज लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बींग, अब सिर्फ अगर ह्यूमन बींग से आपको रिलेटेड फील होता है तो ऐसी फीलिंग को हम क्या कहेंगे? ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, बिलीव्स या अनडिवाइडेड सोसाइटी, ठीक है। जब आप हर एक ह्यूमन बींग के साथ रिलेटेड फील करोगे तो ऐसा जो फीलिंग होगी वो होती है अनडिवाइडेड सोसाइटी, ठीक है। जब हमको हर किसी के ऊपर विश्वास होता है तो ऐसे समय में हम ऐसी सोसाइटी को कहते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, देखिए इतने क्वेश्चंस में से, आई थिंक ये 15 to 16 क्वेश्चंस है, तो इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट क्वेश्चंस आए हैं विदाउट नोइंग द आंसर, मेरे आंसर क्लिक करने के पहले आप लोगों के आंसर्स कितने करेक्ट आए हैं वो एक बार जज करिए, सो दैट आपको क्लियर होगा कि आप लोगों की कितनी पढ़ाई हो चुकी है और आपको अभी कितना पढ़ना बाकी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक द सेशन, आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। ध्यान रखिए कि 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, पूरे 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, आराम से आपको सोच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम रहने वाला है टू सॉल्व दिस 80 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो आराम से सोच के करिए, गड़बड़ नहीं करना है, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।